पार्टी किसके पास है ये तय होना तय उन्होंने किया तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनकी उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है। हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में दो उपचुनाव चल रहे हैं, मैं साधारणतः अपन असं मानतो कि आचार संहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्य बाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले दो तीन महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। सर, आपने कहा था कि लाल किले से प्रधानमंत्री को ऐलान कर देना, ऐलान करना चाहिए। अगर देखो, हम तो कहते कि अब तो वो तो कहते कि पहले कांग्रेस ने भी सरकार गिराई थी, उन्होंने भी, अगर उन्होंने ऐसे किया था तो इसलिए तो आपको लोगों ने चुन कर लाया ना वहां पर। अगर कांग्रेस ने उस वक्त इमरजेंसी लागू की थी तो आप भी इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त इंदिरा जी में इतनी एक हिम्मत थी कि हाँ मैं इमरजेंसी देश पे डिक्लेयर कर रही हूँ, वो उन्होंने डिक्लेयर किया था। ये तो इनमें हिम्मत नहीं है, तब ये फैसला सुनाया है। क्या आप इस फैसले को बिल्कुल हम चुनौती देंगे? आपको अभी भी निष्पक्ष लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो पोर्ट है, देश का सर्वोच्च पोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश पे जिंदा रहे या मर जाए। इलेक्शन कमिश्नर की भर्ती को लेकर नए सिस्टम की जरूरत है। बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणाचा एक व्हिडिओ ट्वीट केलाय। सर, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई उस तरह का एक पैनल होना चाहिए। क्योंकि ये तो सरासर दिख रहा है कि उनका गुलाम है ये इलेक्शन कमिश्नर है, और उनके खिलाफ प्रशांत भूषण जी केस भी लड़ रहे हैं। उन्होंने सब वो मुद्दे दिए हैं कि कैसे 24 घंटों में उनकी फाइल ले ली, कैसे क्या हुआ। तो जिस तरीके से अब वो न्याय व्यवस्था भी अपने अमल के नीचे लेना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।